जब हम निकल गए तो हमारे सारा दिन हो गया, हमको तो रात को ही मिलता है ना फिर, क्योंकि ये पूरी रात बाहर रही फिर सुबह भी आई नहीं। लेकिन अब उसको डॉक्टर के पास नहीं ला सकते क्योंकि उठाएंगे कैसे उसको, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। हे गाइस, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी किट्टू को चोट लग गई है। ये देखो ये यहाँ बैठी हुई और चोट एक्चुअली में अब इसको फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, पैर से आस्ते बोलो यार, तो पैर से ना ये उठा रख नहीं पा रही जमीन पे क्योंकि ये पूरी रात बाहर रही फिर सुबह भी आई नहीं, और फिर जब आई ये आफ्टरनून में आई तो उसका उनका फ़ोन आया कि ये कहते हैं किसके पैर में चोट लग गई है। अब दोस्तों स्टोरी ये है कि इसके हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि है ये पालतू तो है नहीं, बस हमने इसको रखा हुआ है, अब इसको अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये काटेगी या फिर पंजा मारेगी। तो अब डॉक्टर है जो हमारे डॉग्स वगैरह और कैट्स को भी देखता है, वो जो हमारे डॉग्स जिससे हमारा वैक्सीनेशन चलती है हमारे मैक्स की, तो उससे बात करिए। बट अभी वो मतलब उसके तो ऑफिस में बंदा से बात हुई है, वो अभी सर्जरी कर रहा है किसी पेट की, तो देखते हैं कोई अगर पेन किलर वगैरह वो बता सके या कोई सजेशन दे सके तो ट्रीटमेंट देते हैं इसको, या फिर कोई एनजीओ को फ़ोन करेंगे। तो अच्छा लग रहा है इसको एक्चुअली, है ना निकी, तो उसका पेन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जी साहब कि यार हम उसको कैसे क्योर करें, क्योंकि हम खाना दे सकते हैं सब कुछ दे सकते हैं लेकिन हम उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ला सकते क्योंकि उठाएंगे कैसे उसको, क्योंकि उठाएंगे तो काटेगी, और क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। देखते हैं अभी अगर मिलेगा, अगर डॉक्टर ने बता दिया तो दवाई तो ले आएंगे, तो उसको हम किसी भी चीज़ में खाने में डाल के दे देंगे या एग में दें या फिश फूड आता है गीला वाला आता है वेट वाला होता है उसके अंदर मिक्स करके दे देंगे। तो और वैसे भी घर में चल रही है हमारी सफाई वफाई अभियान चालू है हमारे, तो दोस्तों फ़ोन आ जाएगा तो बता दी, हम रास्ते से ले आएंगे जब तो हम जिम चलते हैं। चलो जिम, चलो भाई जिम चलते हैं यार, ये ठीक हो जाए। तो आप लोग मुझसे नहीं पूछ सकते कि कोई दवाई का नाम बताओ, क्योंकि जब तक आप बताओगे तो तब तक दर्द में बहुत परेशान हो जाएगी ना, क्योंकि ये ब्लॉग तो आप बाद में देखोगे, तो हमको ही कुछ अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करेंगे कि और अगर हाथ लगाने तो ना एटलीस्ट हम उसको गर्म पानी से सेक सकते थे ना, बट ये हाथ लगाने पर दे रही, क्योंकि हमको ये अगर ये हाथ लगाने देती ना दोस्तों तो हम इसको स्पंज कर सकते थे गर्म पानी का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे। इसको डायरेक्ट वो दिखा सकते हैं, मेरे पास ये दोस्तों एक रेड लैंप है जिससे डायरेक्ट सन आपका उसका हीट जाती है, अगर हाँ जितनी देर बैठ सकती है, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों वो कर सकते हैं पर ये नहीं कर पाएगी, मुझे एक्चुअली जिम से आके मैं करूँगा थोड़ा आराम, बट थोड़ा सा हीट जाएगी उसको।
आके मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, है ना भाई। चलो जिम चलते हैं, फिर आता हूँ फिर मैं। तो भाई जिम से तो आ गए हैं, लेकिन यार उसकी हालत देख के ना हो तो अजीब सा रहा है। देखो ये देखो लंगड़ा के। एक्चुअली क्या, देखो हमने ये टोकरी भी रखी है इसके लिए, ताकि ये किसी तरीके इसमें इसमें आ जाए। इसमें हमने खाने का भी डाला है, एक बार इसमें घुस जाए ना तो हम इसको बंद करके फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। इस पर चादर डालने की कोशिश करी हमने, अम्मा टावल भी डालने की कोशिश करी ताकि इसको अगर पकड़ ले, सुनो, अगर सुबह ही जाती है टोकरी में बट ये और कंट्रोल में नहीं आ रही है, अरे क्योंकि अगर टोकरी में आ जाए तो उसको डाल सकते हैं उसमें। ना ना अब नहीं, इसका क्या शीशी पैर में कुछ फ्रैक्चर हुआ है या पैर में चोट लगी है हमें कुछ पता नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि मैं ऐसे दवाई दे नहीं सकता जब तक देखूंगा नहीं। चीजें ना करनी पड़ेगी। इवन जब उसको देखो कहाँ चढ़ रही है, देखो शाम वो देखो को ऊपर चढ़ रही है, कहाँ चढ़ी हुई है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो कहाँ चढ़ रही है, बाहर जाना है क्या इसको? इसको भी कौन सी चैन है? इसको भी दोस्तों इसको भी चैन नहीं है। देखो ये देखो अग्रेसिव हो रही है, मत करो खुद ही। ये देखो अब इसको क्या कहते हैं, बाहर जाना है। अब बाहर जाएगी ना ये भाग पाएगी ना कुछ होगा। वैसे तो कुछ नहीं पता क्या हो जाए। दोस्तों उसको है तो आदत, सही कह रही है, आदत तो है इनको। एक्चुअली बिल्ली एक्चुअली घर में रहती नहीं है। हर बिल्ली की आदत होती है। हाँ वो अब क्या है कि डॉग्स को देखती है, पर तीन टांगों से भाग के सीधा पेड़ पे चढ़ती है, लेकिन मेरे को लग रहा है ना उसको चोट भागा ना जाए कुछ हो जाए। फिर डॉग्स तो फिर डॉग्स ही हैं, वो भी स्ट्रीट डॉग, ये भी स्ट्रीट कैट है। मतलब अब मैं अभी एग उबाल रहे हैं हम लोग, अब पता नहीं ये एग बॉयल खा रही थी जब तुमने दिया था उसको, पहले नहीं खाया इसने पहले तो बताओ। नहीं तो एग की तो ये मतलब कि नॉन वेज की तो ये डॉग्स ये कैट सब दीवाने होते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले मैं एक बार फ्रेश हो जाता हूँ, फिर से थोड़ा सा करते हैं। नहीं क्या आप नहा लो, मैं भी नहाता हूँ फिर। तो दोस्तों नहा लिया हूँ मैं, और हमारा घर कैसा हो गया देखो, सब सफाई अभियान चालू है। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। और ये दोस्तों वैसे ना हमारी किट्टू देखो सो गई है शायद, देखो एक्चुअली सो गई है। मैंने कहा सोने दो उसको, अभी टेंशन हो रही है इसको घर के अंदर रखें या नहीं रखें, बिकॉज़ कि वैसे मैंने एग खा लिया है अभी, अब मेरे को दिए जा रहे हैं एप्पल। तो हम ये टेंशन हो रही है कि हम इसको घर पे रखेंगे, अंदर रखते हैं, इसका पता नहीं कुछ कोई पॉटी वगैरह ना कर दे, और पॉटी यहाँ पे कर दे ठीक है, सोफे पे ना कर दे और बेड पे ना कर दे। चलो दरवाज़ा तो बंद कर देंगे, पर सोफे पे ना कर दे, क्योंकि अब छोटी है यार, उसको पता नहीं कुछ, बाहर निकालते हैं तो टेंशन है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि या तो तुम यहाँ सोफे पे सो जाओ, बाकी देखते हैं क्या करें। अरे डिनर में क्या बनाया भाई? डिनर? हाँ जी कड़ी राइस। उसी दिन की तरह वो नहीं, ख़राब से बनाए थे जो, नहीं अरे यार वो तो बड़े बेकार से बनाए थे। तो गाइज अभी देखते हैं, वैसे हमने इसकी टोकरी रखी हुई है, अगर इसमें आके आराम से हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। अब देखते हैं इसको कब तक ये ऐसे ही वहाँ पे सोए रहती है, अब डिसीजन लेना है कि क्या करना है इसके साथ अभी। तो गाइज ये आ गया हमारा डिनर, राइस और कढ़ी, खीरे के साथ पानी भी दिया है मेरे को आज। हाँ सर ये मैंने बोला ना कि रेहत पानी भी दिया। हाँ सर क्योंकि पानी मेरे को बहुत कम मिलता है दोस्तों, जब मेरे गले में कहता ओ तो कहते पानी चाहिए, कहता हाँ बिल्कुल, और आवाज़ नहीं निकलती उस टाइम। तो गाइज हमने डिसीजन ले लिया है कि नाइट में हम किट्टू को घर पे ही रखेंगे, और ताकि वो थोड़ी सी उसकी क्योर हो जाए आज, बाकी कल देखते हैं कोशिश करेंगे डॉक्टर के पास, अगर वो सही तरीके से रही और जा सके तो ट्राई करेंगे, अगर टोकरी में आ गई तो। गाइस करते हैं फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड, और प्रे करना कि टू ठीक हो जाए जल्दी, और उसकी नटखटियाँ जो बातें होती हैं जो हरकतें होती हैं वो देख सकें। चलो गाइस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट, एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड वीडियो कर देना लाइक, ठीक है गाइस चलो बाय। देखो गाइस इसके ना ये देखो ये चल रही है लंगड़ा के, ऐसे नहीं कि एक जगह आराम से बैठ जाए, ये देखो